Hey everyone, welcome back to my channel. मैं हनीशा और आप सभी देख रहे हैं आर्ट कॉकटेल। So guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लिपन आर्ट, जो कि करेंगे हम एक कोन के साथ में। कोन बनाने के लिए हम एशियन पेंट्स की वॉल पुट्टी का यूज करेंगे और फेविकॉल का यूज करेंगे। 2 टेबल स्पून ऑफ वॉल पुट्टी एंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ फेविकॉल को मिक्स करके हम एक कोन बनाएंगे और कोन के साथ में हम अपना लिपन करेंगे। लिपन में हम लोग ज्यादातर एमसील का यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको इसका इजियर वर्जन बस सिखा रही हूँ कि इसमें हम कोन के साथ में अपने वर्क को इजी कैसे कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने एक लाइफ ट्री बनाई थी जिसमें कि मैंने कोन वर्क करना आप लोगों को सिखाया था और साथ में एक एलिफेंट बनाया था। उस एलिफेंट के साथ में मैं एक छोटी सी एलिफेंट बना रही हूँ जिसके ऊपर प्री मार्क्ड डिजाइन मुझे मिली है, जो कि मैंने लिया है अमेजोन से। अमेजोन पे बहुत सारे कटआउट्स, बहुत सारे डिजाइन्स अवेलेबल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने बहुत सारे कटआउट्स लिए हैं और काफी सारे डिजाइन्स भी मैंने लिए हैं और एक एक करके मैं इन डिजाइन्स को बनाती जा रही हूँ। पहले जो मैंने एलिफेंट बनाया था वो कुछ इस तरीके से था और ये काफी बड़ा साइज में था। इसके साथ मुझे एक छोटा एलिफेंट भी चाहिए था, तो मैं इसको सेट बनाने के लिए एक छोटा एलिफेंट के साथ में बना रही हूँ। चलिए आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है और आप इजी आर्ट वर्क कैसे कर सकते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव पीस बनके निकलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। चलिए आइए अपने वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एलिफेंट की एक कटआउट ली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इस पे डिजाइंस प्री मार्क्ड हैं और मैं इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट्स का यूज करूंगी और अपने पसंद के कलर्स के साथ में इस प्री मार्क डिजाइंस को फिल करती जाऊंगी। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप पोस्टर कलर्स या फिर चॉक पेंट्स भी यूज कर सकते हैं। पेंट करने के लिए मैंने काफी सारे सुंदर सुंदर मल्टी कलर्स का यूज किया है। अगर आप एक कलर में भी इसे बनाना चाहते हैं या सिर्फ 2 कलर में बनाना चाहते हैं तो वो आप ऑप्शनल है, आप बना सकते हैं। एक पतले ब्रश के हेल्प से मैं ये सारे डिजाइन्स को बनाती जा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक कलर के साथ में फिलिंग करती जा रही हूँ। पहले मैंने कलर्स की फिलिंग की है, उसके बाद मैं इसमें कोन वर्क करूंगी। मैंने मल्टी कलर यूज किए हैं जिसमें कि मैंने रेड, येलो, पर्पल, ऑरेंज का यूज किया है। मुझे कलरफुल लुक बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है इस लिपन आर्ट में, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है इसलिए मैं ट्रेडिशनल फॉर्म में ही इसे बनाना चाहती हूँ, इसमें काफी सारे कलर्स हों।
यहाँ से मैं कून वर्क का यूज करूंगी। कून के लिए मैंने, जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया है, एशियन पेंट्स की वॉल पुट्टी ली है जिसका 2 टेबल स्पून लिया है और 1/2 टेबल स्पून फेविकॉल लिया है। इसे मिक्स करके मैंने कून में भर लिया है। उसके साथ मैं अपना कून वर्क स्टार्ट करूंगी। धीरे धीरे हमें जितनी लाइंस चाहिए उतनी लाइंस ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने व्हाइट कलर छोड़ा है उस पर मैं हर जगह लाइंस से फिल कर लूंगी। जैसे जैसे मैं ये लाइंस को फिल करती जा रही हूँ, इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा एनहेंस होती जा रही है। ये कलरफुल सा एलिफेंट देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा बनता जा रहा है। इसकी खूबसूरती में और भी ज्यादा 4 चांद लगाएगा हमारा मिरर वर्क, जो कि मैं करूंगी छोटे छोटे मिरर्स के साथ में। मेरा क्यूट सा मिरर बॉक्स में, जिसमें कि मेरे पास हर साइज की मिरर्स हैं, मैं इसमें से मिरर्स को यूज करूंगी और अपने एलिफेंट के ऊपर स्टिक करूंगी। यहां मैं अपने ब्रश के बैक साइड से इसके ऊपर व्हाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से थोड़े डॉट्स लगा रही हूं, जो कि इसे थोड़ा हाईलाइट कर देगा। ये करने के बाद मैं इसके ऊपर मिरर्स लगाऊंगी। मैं अपने पसंद के मिरर्स इसके ऊपर लगाती जाऊंगी, जो कि मैं फेविकॉल की हेल्प से लगा रही हूँ, और दिखाऊंगी फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को। होप आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।